आज ये याकूतपुर में जो सुना नजीर बोल के ऑटो ड्राइवर था मेरे पास, जो मेरे पैसे बाकी था गाड़ी के, तो मैं बोला जो सुना भाई गाड़ी के पैसे बाकी रख दिए, आप गाड़ी ला के दे दो, बोले तो गाड़ी मैं नहीं देता हूँ बोल के भैया भैया करा कल, तो जो सुना मैं बोला कब ला के देते पैसे बोल के पूछा, गाड़ी रख दो तुम पैसे रखो जो आखिर में, बोलो नहीं ना मैं गाड़ी नहीं रखता हूँ, बोलो भैया भैया गाड़ी रख दो तुम बोल के बोला मैं, तो अच्छी बात है बोल के गाड़ी रख दिए, बात हो गई कल चले गए भैया भैया में। फिर आज नजीर की अम्मा हाजी बड़ा भाई है उसका, दोनों मिल गया दुकान पर सौदा ले रहे थे, तो हमारे वालदा ठहर के बोले जो सुना तुम्हारा बच्चा हमारे बच्चे के पैसे बाकी है, एक पैर का जरा माजूर है छोटे बच्चे हैं उसको, आप पैसे जो सुना आपके बच्चों को बोल के दिला दो ना पैसे बोल के बोले, तो उसकी अम्मा बोली किसको बोल के दी वो दी बोल के जो सुना गलत गुफ्तगु करे, कहते कि हमारे वालदा बोले बात सीधी करो घर में आके बात करो तुम, बोलो तो रह रहे बोल के उसकी अम्मा गाली गलौज करके चले गई, बोल के गालियां देके हमारे वालदा से लेडी से बदतमीजी करा गालियां दिया, तो हमारे घर से फोन करे मेरे को हाजी आके घर पर जो सुना गाली गलौज करे, तो आओ बताओ मैं घर के पास आया, आते कि उन्हें हाजी आया बोला भाई गालियां किसको दिए तुम पूछा मैं, बोलते कि हाँ क्या बोल रहा वो बोल रहा बोल के जो सुना हमारे बड़े भाई आ गए थे मैं आके हाँ किसको दिया गालियां, हुए तो बोलते कि हाथ उठाने गया, तो हमारे बड़े भाई दो तीन मारे उसको, क्या बोल रहा है बोल के बात डकलम डकली ऐसा हो गई, डकलम डकली में क्या करा मैंने छुड़ा के भाग गया, भाग के जाके क्या करा मैं हाथ में हैंड जमिया लेके आया चाकू लेके आया, चाकू लेके आके बोल छीक रहा हूँ अरे इसके हाथ में चाकू है मारने आ रहा है बोल के, बोलते कि पुलिस ने पकड़े पकड़े तक लेके आके हमारे बड़े भाई के पेट में ऐसा घुसाने पेट में घुसाने चलेगा, हाँ और जो था ना ढकल के जो था ना उसका भाई नजीर भी आया, दोनों मिल के आए हमारे भाई को हमला उठाया उठाया तक क्या करे दोनों भाई निकल के भागे, आज इन्हें हाजी जो है सुना जमिया लेके आके हमारे बड़े भाई के ऊपर अटैक कर दिया और छोटे छोटे बच्चों को डरा, और ऑलरेडी इन्हें रॉडी शीटर है और जो सुना इनके घर में भी हथियार है साहब, ये लोग कभी भी जो सुना फिर अटैक करते लोग, और छोटे बच्चों को भी बस्ती में खराब कर रहा साहब ये नजीर हाजी, उन्हें मेरे पास ऑटो चलाता था साहब और मेरे पैसे बाकी था, तो चीज मेरी वो उससे और कुछ भी नहीं है दुश्मनी उश्मनी, इन्हें खुसूमत करके जो सुना ऐसी हरकत कर रहे लोग और हथियार लेके आके ऐसा अटैक कर रहे हैं घरों पर आके गाली गलौज कर रहे हैं, और पुलिस से मेरा अजमन मुतालबा आई जो सुना उसको पीटीएल लगा के भिजाना दोनों। आज शाम में ये रेन बाजार पीएस लिमिट्स गौस कैफे के पास एक इंसिडेंट हुआ है, इसमें मोहम्मद हाजी और नज़ीर दोनों मिलके सैयद अहमद के ऊपर अटैक करके अटेम्प्ट टू मर्डर करे थे, इसमें ये सैयद अनवर जो इंजर्ड का भाई है उनसे कंप्लेंट अपन उनसे उनके कंप्लेंट पे अटेम्प्ट टू मर्डर एफआईआर किया है, तय केस की तहकीकत चल रही है, ये एक्चुअली फैक्ट्स ब्रीफ फैक्ट्स ऐसे है कि रीज़न ऐसा है ये जो कंप्लेंट है सैयद अनवर से नज़ीर नाम के अमरनगर ये के रहने वाले ऑटो किराए पे लेके चला रहे थे और उसका किराया नहीं पे कर रहे थे, इस ये जो किराया पूछने पर आर्गुमेंट होके वो लीड्स अटेम्प्ट टू मर्डर हीटेड आर्गुमेंट होके उनके ऊपर अटैक किया था, केस तहकीकात नहीं हमारे पास तो रोडी शीट नहीं है, फिर भी इंक्वायरी करेंगे हम पहले दूसरे पुलिस स्टेशन में क्या केसेस है क्या है, हमारे पास रोडी शीट सस्पेक्ट शीट नहीं है अनवर पे या नहीं है आपने नज़ीर और हाजी पे नहीं है, बहरहाल ये केस देखें 307 APC और रेडविथ 34 307 APC।